बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का यहाँ पर बीफ आलू गोश्त। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो गोश्त, हड्डी और चिकनाई वाला गोश्त है। यहाँ पर हमने लिया है आधे थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है। स्टार्ट कर लेते हैं। और 4 से 5 हमने प्याज दिए हैं कटिंग की में, ब्राउन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़े के यहाँ पर आलू गोश्त का ये सालन बनता है बिल्कुल चेंज स्टाइल में। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। लाइट से हम फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम गोश्त डालते हैं इसके अंदर, गरम मसाला डालेंगे साबुत सारा। प्याज को क्या मैंने लाइट साफ फ्राई, अब यहाँ पर मैं डालूँगी आधा किलो गोश्त है हड्डी और चिकनाई वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भून लूँगी इसे मैं, साथ साथ मैं यहाँ पर डालूँगी गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते, ये भी साथ साथ भून लूँगी। नमक डालेंगे, गोश्त का कलर चेंज होगा तब तक भूनते रहेंगे। 2 टमाटर डाले हैं, कटिंग कर ली हैं और इसे छिलका उतारने तक पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा पानी के साथ गोश्त के साथ, इसका छिलका उतार के फिर इसे मसाले के साथ अच्छे से पकाएंगे गोश्त के साथ टमाटर को। फिर डालेंगे 2 चमचे भर के यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, डालेंगे 1.5 चम्मच किसी भी लाल मिर्ची। इसे भूनेंगे 5 मिनट तक, पानी डालेंगे और इसे 45 मिनट के लिए गोश्त गलाने तक पकाएंगे। इसे 1.5 गिलास पानी डालेंगे यहाँ पर मैं, और बस पकाने लग देंगे। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, गोश्त भुनेगा उसके बाद भी हम इसमें और आइटम्स डालेंगे। जब गोश्त भुनने पे आएगा गल जाएगा उसके बाद, अभी हम इसकी लीड लगा के रखते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू जो हैं कटिंग कर लिए हैं और पानी मैंने भिगो के रख दिया है। यहाँ पर मैंने अदरक कटिंग कर ली है, 1 पीस लिया था बड़ा सा, ऐसे हमने कटिंग कर लिया है। वॉश करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे और इसे आलू गोश्त के सालन में डालेंगे। यहाँ पर गोश्त जो है पक रहा है, टमाटर के छिलके जो है वो सॉफ्ट ही हो चुके हैं, इसे अब हम निकाल लेते हैं फिर कंटिन्यू इसे पकाते हैं। 2 टमाटर डाले थे हमने, 4 पीस थे और 4 पीस के हमने छिलके उतार के रख लिए हैं। यहाँ पर अदरक के साथ साथ हम पीसेंगे यहाँ पर छोटी वाली हरी मिर्ची और ज़ीरा। तो यहाँ पर सालन के पकते के साथ साथ ही लहसुन, ज़ीरा और हरी मिर्ची जो हमने पीस के रखी थी वो ऐड कर लेते हैं। थोड़ी मोटी मोटी पीसी थी, टेस्ट अच्छा आता है। मीडियम आंच पे ये पकता रहेगा। मिक्स कर लिया मैंने लहसुन, ज़ीरा और अदरक और हरी मिर्ची, लहसुन ऐड नहीं किया हमने। तो यहाँ पर सालन का पानी खुश्क होने लगा था, यहाँ पर मैंने दही डाल दिया। दही को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी गलाने के लिए, उसके बाद फिर हम इसे भून लेंगे। दही को मैं मिक्स करती जा रही हूँ, आलू मैंने डाल दिए हैं, इनको मिक्स करूँगी और इन्हें तेज़ आँच से पकने रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट। पानी खुश्क होने के साथ आलू जो है वो हाफ वाइट हो जाएंगे, फिर हम भून लेंगे। क्योंकि दही पानी छोड़ेगा, पानी अपना यहाँ पर सालन में ऑलरेडी होता जाएगा रिलीज। तो मैं तेज़ आंच के सालन भूनती जा रही हूँ यहाँ पर, फिर हम इसमें डालेंगे, शोरबा बनाना है हमें तो इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। आप चाहें तो भुना भुना यहीं पर रख सकते हैं और फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्ची डालकर इसे हम लेने वाले हैं सहरी में पराठों के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर सालन बहुत मज़े का भून चुका है। इस तरह से बनाइएगा आप और बहुत मज़े के साथ खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पानी डाल दूँ यहाँ पर मैं, 1.5 गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाला क्योंकि मुझे शोरबे वाला आलू गोश्त बनाना है। और हम इसे हल्की आंच पर रख देंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।
तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर खुशबूदार मज़ेदार यहाँ पर आलू गोश्त बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।